तरह से अगर थोड़ा सा आईब्रोज में अंतर होता है तो हमको उसको मैच करते हुए सेट कर लेनी चाहिए। ये हमने हल्की सी आईब्रो पेंसिल यूज़ की और अब हम आई मेकअप का काम स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार मेकअप किट का ही आई शेडो है, बहुत ही अच्छा शेड है, रेडिश लेते हुए अलग मैरून और रेडिश दोनों मिक्स शेड है, बहुत अच्छा इसका लुक आता है, देखिएगा आप। और काफ़ी देर तक आई मेकअप स्टे रहता है। इनकी आईब्रोज को हम ब्रॉड करने के लिए हल्का सा बाहर फैलाते हुए आई शेडो का हमने लगाया है, जिससे कि आईज बड़ी लगें, क्योंकि फेस्टिवल मेकअप है तो आई लैशेज हर टाइम हम नहीं लगाएंगे और लगानी चाहिए। नाइट मेकअप में या कोई बड़ा फेस्टिवल होता है या फंक्शन होता है तभी वो ठीक रहता है। ये देखिए आई शेडो कितना शाइनिंग वाला, और इस प्रकार हमने बादाम के आकार में हमने आई शेडो को लगाया। बादाम के आकार में हमको शेप लेना चाहिए आई शेडो का। अब हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं आईज पर। यहाँ भी हमने स्टार मेकअप का ही प्रोडक्ट लिया है और ये गोल्डन शेड हमने दिया है। ये सब ड्रेस के अकॉर्डिंग, ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग हमको लेना होता है, या फेस के अकॉर्डिंग भी हम ले सकते हैं। फेस पर किसी के अलग तरह का जो लुक आना है या अलग तरह का फेस और आईज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको लगाना चाहिए। किसी की आईज छोटी होती हैं तो हमको बड़ी करके दिखानी होती है तो हम फैलाते हुए लगाएंगे, और बहुत बड़ी हैं तो हमको नेचुरल वे में ही लगाना होता है। ये हमने गोल्डन हाइलाइटिंग की हल्का सा ऊपर की साइड में। और अब हम जो हमने बादाम के शेप में आई शेडो लगाया है उस पर हम शिमर लगा रहे हैं, जिससे कि आई शेडो का कलर और भी नेचुरल हो जाए। देखिए शिमर लगाने से बिल्कुल और भी ज़्यादा आई शेडो का लुक अच्छा आ गया, और लुकिंग वाइज बहुत अच्छी लगने लगी। ये हमारे आई शेडो का काम कंप्लीट हुआ। और अब हम लाइनर लगाएंगे, ये केक लाइनर है। ब्रश आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है हम हाई फाई कंपनी का लें, जो आपके पास है उसको भी हम काम में ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने हल्का सा 60 डिग्री तक लाइनर को ले गए, क्योंकि हमने आईज को थोड़ा ब्रॉड दिखाने की कोशिश की है। और डे मेकअप में आईलाइनर बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाना चाहिए, अगर किसी की चॉइस है तो लगा दीजिए, बाकी डे मेकअप में तो नेचुरली ठीक रहता है। और अब हम मस्कारा लैशेज आई लैशेज पर लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से हल्का सा ऊपर से उठाकर आईज को खुलवाया और इस तरह से हमने लगा दी। पहले हम नीचे की साइड में लेंगे, जिससे कि नीचे की लैशेज पर भी लग जाए, और फिर हम ऊपर से स्ट्रेच करके लैशेज पर मस्कारा लगाएंगे। और मस्कारा लगाने के बाद में अब हम नीचे की आईज पर
नीचे आईलाइनर लगा रहे हैं। ये देखिएगा, ये हमने दो तरह से आईलाइनर आपके सामने पेश किया है। एक तो हमने केक लाइनर ऊपर की आईज पर लगाया था, और ये पेंसिल वाला है, तो इसको भी आप ऊपर नीचे दोनों जगह लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही दिखाएंगे कि इसको हमने ऊपर भी यूज़ किया है और नीचे भी। यहाँ आपको दो तरह से हमने बता दिया।